बहुत ही खास प्रॉपर्टी आपके लिए लेकर आए हैं। आपको पूरा नीट एंड क्लीन नजर आएगा। जैसे ही कर्टन हटाएंगे ना तो बाहर के शानदार नजारे देखने को मिलेंगे। और इस प्रॉपर्टी को मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, उसके पीछे ये सब है। कितना प्यारा व्यू है प्रॉपर्टी में। जब आप बुकिंग करेंगे, आप सभी के लिए स्पेशल ऑफर है। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ महीने से हम आपको ऋषिकेश हरिद्वार की बहुत सारी प्रॉपर्टी दिखाई, जिसमें आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन दिखाए, जिसमें आप लोग हरिद्वार ऋषिकेश विजिट करने के दौरान आप रुक सकते हैं। उसी कड़ी में आज हम एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी आपके लिए लेकर आए हैं। आपने नोटिस किया होगा कि हरिद्वार ऋषिकेश में जहाँ पर होटल्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीसफुल जगह ढूंढते हैं, थोड़ा सा अच्छा हो, नेचर के बीच में हो और शांत माहौल हो। जैसे चिड़ियों की चहकाने की आवाज़ आपको बैकग्राउंड में आ रही है, ऐसा ही जो स्पेस आप लोग ढूंढते हैं। तो फाइनली ये जो प्रॉपर्टी है आप सभी के सामने है, ये बहुत ही सुंदर सा एक होम स्टे है। और यही की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश कहीं भी आ रहे हैं, आप आसानी से इस प्रॉपर्टी में रुक सकते हैं। इस प्रॉपर्टी से ऋषिकेश की जो दूरी है वो आई थिंक लगभग 8 किलोमीटर के आसपास है और हरिद्वार की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर के आसपास है। तो आप इस प्रॉपर्टी में रहते हुए हरिद्वार ऋषिकेश आसानी से घूम सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा इस प्रॉपर्टी का जो खास पॉइंट है और इस प्रॉपर्टी को मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, उसके पीछे ये सब है। ये देखिए, ये नेचर आपके साथ रहेगा। आप यहाँ पर रहेंगे लेकिन इस तरफ देखिए कितना प्यारा व्यू है। हरे भरे आपको बहुत सारे पेड़ देखने को मिल रहे हैं। और थोड़ी देर के लिए भी अगर मैं रुक जाऊँ तो चिड़ियों की आवाज़ आपको सुनाई देगी। देखिए, ये है यहाँ के खास। दोस्तों, ये बुकिंग जो हमने की है culturetravel.in वेबसाइट है, वहाँ से की है। इनके जितने भी स्टे हैं वो सभी नेचर के साथ होते हैं, नेचर के बीच में। जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं चारों ओर नेचर है, प्रकृति के बीचों बीच, क्योंकि प्रकृति के बीच रहने का मजा ही अलग है। रूम में आपको अच्छी सुविधाएं तो मिलती ही हैं। रूम में आपको अच्छे से दिखाऊंगा रूम में क्या क्या सुविधाएं हैं और उसके साथ साथ यहाँ की बुकिंग कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इस प्रॉपर्टी में जब आप बुकिंग करेंगे, आप सभी के लिए स्पेशल ऑफर है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाना है, आपको लास्ट तक देखना है। और कोशिश रहेगी कि ऐसे बहुत सारे जो होम स्टे हैं वो हम आपको दिखाएं, क्योंकि आजकल जो होम स्टे है ना बहुत अच्छी सुविधाएं देते हैं। हम कह सकते हैं कि होटल को पूरी तरह से टक्कर देते हैं, क्योंकि जो सुविधाएं आपको होटल में मिलती हैं वही सुविधाएं आपको होम स्टे में मिलती हैं और एक अच्छा माहौल मिलता है। उसके साथ साथ लगभग ज़्यादातर जो होम स्टे है उसमें किचन की सुविधा भी आपको मिलती है, जहाँ पर आप ज़्यादा दिन रह सकते हैं और अगर खुद से अगर खाना बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ कल्चर ट्रेवल की जो वेबसाइट है, यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं किस तरह के स्टे ये प्रोवाइड करते हैं। कल्चर ट्रेवल की वेबसाइट है, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आप बहुत ही अच्छे यूनिक स्टे जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ट्री हाउस भी आपको मिलेंगे, स्टे बाय द रिवर साइड, उसके साथ साथ जंगल के बीच में स्टे इन ए विलेज, किसी गांव के में अगर आप स्टे चाहते हैं, स्टे इन कैंप, स्टे इन पूल विला, स्टे नियर ए वाटरफॉल, स्टे इन माउंटेन, ऐसे बहुत सारे यूनिक स्टे जो हैं यहां पर आपको मिल जाएंगे। एक ही वेबसाइट में आपको बहुत सारे शहरों के जो स्टे हैं और यूनिक स्टे, सबसे खास है कि नेचर के साथ साथ जहाँ पर सुकून शांति आपको मिलने वाली है, तो आप इस वेबसाइट में आसानी से विजिट कर सकते हैं। और जिस प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, मोंग क्रेडिट, वो भी इसी वेबसाइट में आपको मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर विजिट करके आसानी से बुकिंग कर सकते हैं और मुकेश हेल्प 15 कूपन कोड जो है उसको अप्लाई करेंगे तो 15% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। तो अब हम आपको वीडियो में ले चलते हैं, आगे बताते हैं। ये देख सकते हैं, जैसे ही आप रूम में जाएंगे ना, इस तरफ की व्यू देखिए, ये आपकी बालकनी होने वाली है और यहाँ पर हरे भरे आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। और ये वाला जो एरिया है आपने देखा है, ये बरंडा है या बालकनी कह सकते हैं। आप सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग या शाम के समय यहाँ बैठ सकते हैं और उस तरफ पहाड़ों के व्यू आपको देखने को मिलेंगे और जब सनराइज होगा तो भी आपको सनराइज के व्यू देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, फाइनली हम इस रूम में आ चुके हैं जिस रूम में हम रुके हुए हैं। देख सकते हैं आप रूम का साइज, देखिए
आपको एक बड़े साइज का रूम नजर आएगा। यहाँ पर एक अच्छा सा मैट्रेस है और मैट्रेस आप गौर करके देखें तो आपको पूरा नीट एंड क्लीन नजर आएगा, कहीं भी जरा सा भी आपको कहीं भी दाग धब्बा नजर नहीं आता है। और यहाँ पर आपको एक टीवी मिलती है, फैमिली आपके साथ है तो टीवी की जरूरत पड़ती है। और ये रूम का व्यू है, पूरा एक बड़े साइज का रूम है। और सबसे खास बात इस रूम की, आपको बहुत ही प्यारी बालकनी मिलती है, वो बाहर से है। और उसके साथ साथ अगर आप अपने बिस्तर में बैठे बैठे, मैट्रेस में बैठे बैठे बाहर की व्यू देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। जैसे ही कर्टन हटाएंगे ना, आपको बाहर के शानदार नजारे देखने को मिलेंगे। और सबसे खास बात यही है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप होटल में इतनी स्पेस आपको कहीं नहीं मिलेगा और ऐसा व्यू देखने को नहीं मिलेगा। आपको रोड बहुत सारी बिल्डिंग्स नजर आती हैं, लेकिन यहाँ पर एक तरह से नेचर व्यू आपको नजर आएगा। और इस तरफ का एरिया ये देखिए, ये वार्डरोब है जहाँ आप अपना लगेज रख सकते हैं। यहाँ पर दो चेयर, एक सेंटर टेबल मिलती है, एसी यहाँ पर लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर जो रूम में चाहिए वो सभी सुविधाएं आपको मिलती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये किचन है, एक छोटा किचन कह सकते हैं या पेंट्री एरिया कह सकते हैं। ये बेसिक जो नीड होती है चाय कॉफी, उसकी ये टी बैग कॉफी बैग है। और उसके साथ साथ ये आपको कुछ बर्तन मिलते हैं, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे बर्तन मिलते हैं, यहाँ भी अपना सामान रख सकते हैं। अगर आप ज्यादा दिन के लिए आ रहे हैं तो आराम से रुक सकते हैं, खुद से अपना खाना भी पका सकते हैं। यहाँ पर सिंक आपको मिलती है बर्तन धुलने के लिए। और ये है यहाँ का वॉशरूम, वॉशरूम का साइज आप देखिए, बड़े साइज का वॉशरूम आपको मिलता है। वेस्टर्न कमोड है, यहाँ पर गीजर की सुविधा मिलती है, सभी कुछ एक वेल मेंटेन है, यहाँ पर सभी कुछ अच्छे से है। और सबसे खास बात है इस प्रॉपर्टी में सफाई बहुत है। इस प्रॉपर्टी का जो मेन ये है कि यहाँ पर आपको पूरी सफाई मिलेगी, कहीं भी देख लीजिए आप। यहाँ पर वॉश बेसिन है, तो ओवरऑल सारी सुविधाएं आपको वॉशरूम में मिलती हैं जो एक बेसिक वॉशरूम में होनी चाहिए। दोस्तों इस प्रॉपर्टी के और भी रूम हम आपको आगे दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर बुकिंग कैसे कर सकते हैं। culturetravel.in वेबसाइट है जहाँ पर आपको विजिट करना है, और जैसे ही आप विजिट करेंगे लोकेशन आप ऋषिकेश सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मोंक रिट्रीट इस प्रॉपर्टी का नाम है, आप उसको सर्च करें। उसके अलावा आप जो है अपना मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर सकते हैं, OTP आएगा और उसके बाद कुछ डिटेल आप भर के आराम से बुकिंग कर सकते हैं। स्पेशल ऑफर की बात की जाए तो अगर आप लोग इसमें मुकेश हेल्प 15 ये अगर आप अप्लाई करेंगे, ये कूपन कोड है, तो आपको 15% का फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है। तो कूपन कोड जरूर अप्लाई करना ताकि 15% का फ्लैट आपको डिस्काउंट मिल सके। रूम चार्जेस की बात की जाए तो रूम चार्जेस जो हैं समय के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग अप डाउन होते रहते हैं। तो आप वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं और प्रेजेंट टाइम में क्या प्राइस है रूम का वो आप वहां से देख सकते हैं। बाकी आपको रूम के चार्जेस के साथ साथ सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट मिलेगा। आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे भी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों आप चलते हैं और दूसरा रूम आपको दिखाते हैं। आपने पहला रूम तो देख लिया और दूसरे रूम भी दिखाते हैं और वहां पर क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती है ये भी हम बताएंगे। जैसे ही रूम के अंदर आते हैं सबसे पहले तो एक बड़े साइज का रूम आपको नजर आता है। यहाँ पर दो चेयर आपको मिलती हैं, एक सेंटर टेबल है, और यहाँ पर आपका जो मैट्रेस है जहां पर आप रात में सोने वाले हैं। इस रूम के साथ जो मैट्रेस आपको मिलती है, और मैट्रेस कितनी अच्छी है, और पूरा नीट एंड क्लीन पिलो है, और ये इसका देखिए कितना अच्छा है। और यहाँ पर आपको LED टीवी, आप यहाँ पर रुके हैं, आपके साथ बच्चे हैं, कुछ देर टीवी देखने की कहेंगे तो आप यहाँ पर टीवी आपके लिए है। और यहाँ पर आपको AC की सुविधा मिलती है, ये AC बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल जो है गर्मी के दिन धीरे धीरे करके ज्यादा होते जा रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा आपको वार्डरोब मिलता है जहां पर आप अपना लगेज रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मिरर लगा है,
और यहाँ भी एक वार्डरोब है, तो लगेज रखने के लिए आपको काफी ज्यादा स्पेस मिलता है। और उसके साथ साथ रूम का जो साइज है वो आई थिंक 11-18 के आसपास होगा। और अभी हम ले चलते हैं आपको बाथरूम में, दिखाते हैं बाथरूम में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। फिलहाल आप रूम का व्यू देख सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करते जाएं, ताकि जो लोग ऋषिकेश के आसपास होम स्टे ढूंढ रहे हैं उन्हें ये ऑप्शन जो है मिल सके और वो लोग यहाँ बुकिंग कर सके। इस रूम की सबसे खास बात यह है कि आप सभी जैसे ही कर्टन हटाएंगे पहाड़ों के व्यू और हरे भरे जो पेड़ है बाहर बहुत अच्छे से नजर आएंगे। देखिए सबसे पहली बात तो आप बालकनी में बैठकर ये सभी कुछ देख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि अपने बेड में बैठे बैठे आप बाहर की व्यू देख लें तो वो सभी सुविधाएं आपको यहां से मिलती हैं। ये देखिए इतना बड़ा ग्लास लगा है, और गौर करके देखेंगे ना तो आपको यहां से लेकर आगे पूरे पहाड़ नजर आएंगे। ये देख सकते हैं पहाड़ों की व्यू आप कमरे के अंदर से ही देख सकते हैं। और ये वाला जो है एक छोटा किचन कह सकते हैं या पेंट्री एरिया कह सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक केटल है। और अगर आप 4-5 दिन या 1 वीक के लिए आते हैं तो अगर यहाँ पर आप खाना बनाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए इतना सारा स्पेस है, यहाँ पर सिंक है जहां पर अगर आप बर्तन धुलना चाहें तो धुल सकते हैं। उसके साथ साथ ये कुछ बर्तन है, ये देखिए बेसिक सुविधाएं आपको मिल जाती हैं, ताकि अगर आप 1 वीक के लिए रहना चाहते हैं तो आप आसानी से रह सके। और यहाँ पर विंडो है, अगर आप विंडो खोलेंगे तो फ्रेश एयर जो है वो यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। ये देखिए यहाँ भी स्पेस काफी बड़ा आपको मिलता है। यहाँ पर ये देखिए बेसिक से इम्यूनिटीज आपको मिलती है, चाय कॉफी ये टी बैग है। अब मैं वॉशरूम के अंदर आ चुका हूँ, और वॉशरूम देखिए एक बड़े साइज का वॉशरूम आपको मिलेगा। यहाँ पर वेस्टर्न कमोड है, यहाँ पर है गीजर, और गीजर तो जरूरी है क्योंकि ठंड के दिनों में यहाँ पर काफी ज्यादा ठंडा पानी आता है। गंगा जी का पानी पूरे हरिद्वार ऋषिकेश में ज्यादातर लोगों के यहाँ आता है, तो जो जल है वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है। यहाँ पर वॉश बेसिन है, ये मिरर लगा हुआ है, तो सभी जो बेसिक सुविधाएं आपको चाहिए वो सभी वॉशरूम में आपको मिलती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि यहाँ पर बुकिंग कैसे कर सकते हैं। आने से पहले बुकिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और बुकिंग करना है तो culturetravel.in करके वेबसाइट है, वहां से आप सभी लोग बुकिंग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ऑफर्स की बात करें तो मुकेश हेल्प 15 जो हमारा कोड है उसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो 15% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो मुकेश हेल्प 15 जो ये कूपन कोड है इसको जरूर अप्लाई करना, तभी आपको 15% का डिस्काउंट मिल पाएगा। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो आ चुका है, तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। इसमें चाय है, और ये है गर्मा गर्म ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, और यहाँ पर मिल्क है, और ये कॉर्नफ्लेक्स, और इस पर देखते हैं, और ये एक फ्रूट की बास्केट है। तो ये हमें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में मिलता है, और ये कम्प्लीमेंट्री है, आपको जो रूम का चार्जेस है उसी में ये ऐड है, तो आपको अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए ब्रेकफास्ट करते हैं। तो दोस्तों ये थी आप सभी के लिए ऋषिकेश में स्टे के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन, और उम्मीद करेंगे ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसके साथ साथ जो वेबसाइट मैंने आपको बताया था उस वेबसाइट में आपको बहुत सारी सिटी में अच्छे अच्छे होम स्टे मिल जाएंगे। तो अगर किसी भी सिटी में आप जाते हैं और एक अच्छा नेचर के बीचों बीच में अगर कोई स्टे आप ढूंढ रहे हैं तो आप विजिट कर सकते हैं, लोकेशन डालकर सर्च कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लाइक करने के साथ उस दोस्त के पास ज़रूर शेयर करना जो ऋषिकेश घूमने जाना चाहते हैं और होम स्टे की सर्च कर रहे हैं। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।